हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करूंगी सब ठीक होंगे। और अभी है सुबह का टाइम, लगभग 8 बजे हैं और धूप बहुत अच्छी निकल के आई है। और अभी जस्ट मेरी गुड़िया उठी है, आज ये दोबारा से सो गई थी। वैसे तो मेरे साथ सुबह ही उठती है, फिर दोबारा से सो गई। और अभी मैं, ग्रीषा भी आज सो रही है, संडे है आज, तो मैंने इसलिए उठाया नहीं। पता नहीं आज इतनी लेट कैसे हो गई, अभी उसको उठा रही हूँ। उठे नहीं बेटा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाय, गुड मॉर्निंग। इतने लेट कैसे हो गए आज? इतने लेट कैसे हो गए? उठे नहीं आज, क्या हो गया? क्या हो गया, क्या हो गया? गुड मॉर्निंग, क्या हो गया बेटे? क्या हो गया, भले बता। कुछ नहीं हुआ। संडे आज तो मस्ती। चलो दूध पी लो पहले, ठीक है? और देख बेबी भी अंदर खेल रहा है, चलो बेबी के पास चले। चलो वही ले आओ, चल बेबी के पास चलते हैं अंदर। चलो तुम, मैंने संभाल के रखे, संभाल के रखे मुझे। क्या सूट संभाल के रखे हैं? हाँ। फिर पहनने भी तो हो। देखो बेबी को देखो कैसे मस्ती कर रहा है। गुड मॉर्निंग तो बोल दो बेबी को। गुड मॉर्निंग। इसे तो खेलने के पड़ गया है। ये क्या है, क्या है ये है? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बोलो? ले मैं दूध लेके आती हूँ, ठीक है? सबसे पहले ग्रीषा के लिए दूध लेती हूँ। पहले इतना ही पिएगी। हाँ बेटा, क्या कर रहा है? हाँ बेटा, आ रही हूँ, एक मिनट हो गया, दूध लेके आऊंगी। इसके लिए बिस्किट निकाल लेते हैं, दूध भी गर्म हो गया। कौन सी बात? आ रही हूँ बेटा, एक मिनट रुक, जब दूध लेके आऊंगी। ले यहाँ आजा बेटे, आजा। होमवर्क बाद में करना, पहले दूध पी ले। आजा ले, मैट पे बैठ जा, इस पे यहाँ बैठ, आराम से बैठ के इस पे बैठ के खा ले। ओए मस्ती, क्या मस्ती कर रहे हो? मस्ती कर रहे हो? कोई बात नहीं, ऐसे ही करेगा। दूध पी लिया इसने तो, आपसे पहले उठा ही है। आप जल्दी से दूध पी लो, ठीक है? अपने आप उठा, मैंने थोड़ी उठाया है। कोई बात नहीं, क्या हो गया, अभी उठा, बस दूध पिया इसने।
है ना बेबी? देखो क्या फिर क्या हो गया बेटा? आप हर रोज पहले उठते हो, जल्दी से दूध पी ले, ठंडा हो जाएगा फिर। ओए गंदे बच्चे। ओए इसको झूले में डाल लेंगे अभी, ठीक है? और आप दूध पी लो बेटा पहले, ठीक है? बैठो जल्दी से। अब मैं सबसे पहले बेबी का झूला तैयार करूँगी, क्योंकि उसको इसमें सुलाना है, क्योंकि बेड पे रखूँगी तो फिर इसका गिरने का डर रहता है, और मैं बाकी काम है वो भी करना है मुझे, इसलिए मैं इसको इस पास नहीं बैठ सकती। सबसे पहले इसका झूला तैयार करके इसको झूले में डाल दूँगी, और फिर बाकी का सामान है वो भी सारा इधर उधर बिखरा पड़ा है वो उसको भी उठाना है। और बच्चे साथ में टीवी देख रहे हैं, मोगली आया हुआ है, हम सभी देखते हैं मोगली को, बहुत पसंद है सभी को, और ग्रीषा भी दूध पी रही है। ऐसा ही होता है बच्चों के साथ, छोटे बच्चे के साथ तो और भी होता है कि कपड़े वगैरह सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इधर उधर रखने, और दो बच्चे हैं तो दोनों का हो जाता है शाम के टाइम, और भी ज़्यादा हो जाता है। फिर सुबह सब सारे सामान को सेट करना होता है फिर से, जो मतलब गीले कपड़े हैं उनको धूप में डालना होता है। अभी सारा काम मेरा रहता है, सबसे पहले इसको झूले में छोड़कर फिर बाकी का काम करूँगी मैं। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं छोटी वीडियो डालूँ, शॉर्ट नहीं, जो मतलब कि 3 4 5 मिनट तक की, क्योंकि अगर मैं लॉन्ग वीडियो डालती हूँ तो मेरी वीडियो को मतलब इतना वो टाइम नहीं मिलता। मैंने कल आप सभी से पूछा था कि कुछ पूछा था, लेकिन किसी ने भी उसका रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे लगता है किसी ने मेरी पूरी वीडियो को वॉच ही नहीं किया। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं छोटी वीडियो डालूँ, ताकि जो भी जितनी भी मैं डालूँ आपको, आप उसे फुली वॉच करें, इसलिए मैंने ये सोचा है। बाकी अगर कोई फुली वीडियो देखता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात और, मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप अपनी छोटी बेटी का नाम बताओ, मैंने आई थिंक बताया ही नहीं अभी तक, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं, तो इसलिए मैंने शायद नहीं बताया होगा। आप सभी को पता ही होगा कि मेरी बड़ी बेटी का नाम ग्रीषा है, और छोटी बेटी है जो उसका नाम मैंने रीशा रखा है। आप सब मुझे बताना कैसा लगा आपको, मेरे पास कमेंट आया था इसलिए मैं, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। और अभी बेबी को तो मैंने झूले में डाल दिया है, और बाकी सब सारा सामान अभी सेट करना है, चादर वगैरह भी सेट करनी है। कंबल को तो मैं आज धूप नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कल मैंने धूप में डाला था, डेली तो मैं नहीं डालती, दूसरे तीसरे दिन डाल देती हूँ, क्योंकि बेबी होता है कई बार ये कि दूध वगैरह गिर जाता है, इस वजह से डालना पड़ जाता है कई बार, लेकिन कल ही लगाई थी मैंने धूप, इसलिए आज तो मैं तक करके ऐसे ही रख दूंगी इसको। कल चादर को धूप नहीं लगाई थी, तो आज मैं चादर को धूप लगाऊंगी, और दूसरी चादर इस पर चेंज कर दूंगी। तकिए को मैं वही रखूंगी, तकिए वगैरह जो इसके कवर हो उनको चेंज नहीं करूंगी मैं। जब भी मुझे काम होता है तो मैं बेबी को झूले में रखती हूँ, क्योंकि साथ में ही टीवी देखता रहता है, और इसको वैसे भी झूले में रखना ज़्यादा पसंद है, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं इसको अपने पास बिठाऊँ, इसलिए वजह से मैं इसको झूले में डाल देती हूँ, और साथ में टीवी चला देती हूँ, तो ये देखती रहती है, और जब इसका मन होता है तो ये सो भी जाती है, गिरने वगैरह का भी डर नहीं रहता, इस वजह से मैं झूले में ज़्यादा रखती हूँ इसको। और अभी चादर चेंज कर देती हूँ, और मैंने खिड़कियाँ वगैरह सारी खोल दी हैं, क्योंकि हमारे कमरे में जब मतलब कि स्टार्टिंग से ही शुरू मतलब कि निकलती धूप आती है, इस वजह से मैं सारी खिड़कियाँ खोल देती हूँ, और ज़रूरी भी है धूप देना हर चीज़ को। चादर तो सेट हो गई है, और अभी पिलो वगैरह को भी सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ का सारा सामान उठा के फिर मैं जो बाहर का काम रहता है मेरा, किचन की सफाई अभी रहती है, वो सारा काम करूँगी। और फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी कि आप मुझे फुली सपोर्ट करेंगे, आप सबके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, और मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, और क्योंकि इसके बिना मतलब कि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ मैं, आप सभी का फुली सपोर्ट चाहिए मुझे, इस वजह से मैं बार बार बोलती रहती हूँ, और उम्मीद करूँगी आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। यहाँ का तो मैंने सारा सामान उठा दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, बाहर का भी रहता है,
तो फिर वहाँ का सारा सामान उठा के उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँ, फिर डस्टिंग करूँगी और फिर झाड़ू पोछा सब रहता। अभी मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है, इसलिए वजह से फटाफट सारा कर रही हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे आप सबके कमेंट से मोटिवेशन मिले, क्योंकि मोटिवेशन ज़रूरी, बहुत ज़रूरी होता है। मोटिवेशन के बिना, अगर हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो हम अच्छी अच्छी मतलब कि लाइफ में बहुत कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर।